कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव नगला इमिलिया की रहने वाली शालिनी सिंह पत्नी मोना ठाकुर अपने ही गांव इमिलिया से प्रधान भी है। महिला प्रधान 5 अगस्त को अपनी स्कूटी पर सवार होकर अपने किसी काम से जिला मुख्यालय जा रही थी, तभी जलेसर रोड स्थित गंगुचोली के पास बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से महिला प्रधान के ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे महिला बाल बाल बच गई। महिला प्रधान ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान महिला प्रधान ने एसपी हाथरस से मदद की गुहार लगाई। प्रधान ने एसपी को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। वहीं महिला प्रधान शालिनी सिंह का कहना है कि मैं गांव नगला इमलिया से ग्राम प्रधान हूं और एक अधिवक्ता भी हूं। गांव के जरूरी काम से मैं जिला अधिकारी ऑफिस जा रही थी, तभी गांव गंगचोली के पास अंकित ठाकुर जो अपराधी है उसने पीछे से मुझे रोकने की कोशिश की और गाली गलौज करी। विरोध करने पर उसने मुझे जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिससे मैं बाल बाल बच गई, जिसके बाद मैंने घटना को लेकर डायल 112 पर शिकायत की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया, जिसके पास से तमंचा बरामद हुआ था। कुछ दिन पूर्व यह मेरे भाई पर भी हमला कर चुके हैं, जिसको लेकर मैंने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी हाथरस से मिलकर मामले की जानकारी दी और प्रार्थना पत्र भी दिया, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। ये भी आप कप्तान ऑफिस में गए थे कुछ समय पहले, क्या मामला था? वो मामला सर ये था कि मैं गांव नगला इमलिया से निर्वाचित प्रधान हूँ और एक अधिवक्ता हूँ। मेरे गांव के कुछ जरूरी कार्य थे जिससे मैं जिलाधिकारी महोदय ऑफिस जा रही थी। वहीं नगला इमलिया पार करते ही गंगचोली पे अंकित ठाकुर, जो कि उस पर कई आपराधिक मामले हैं हाथरस जंक्शन से, उसने पीछे से गाली गलौज करी और मुझे रोकने का प्रयास किया। जब मैं अपनी एक्टिवा की गति तेज करते हुए कोर्ट की तरफ गई तो उसने मुझ पर पीछे से फायरिंग करी। कोर्ट पे पहुंच के मैंने 112 की सहायता से उसमें से एक अभियुक्त पकड़वा दिया, जिस पर अवैध तमंचे अवैध असला बरामद हुआ है। और कप्तान साहब ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। आज से 20-25 दिन पहले मेरे भाई पर भी ये लोग हमला कर चुके हैं। आप दोनों की आपने तहरीर दी थी कोतवाली? जी हाँ, दोनों की तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी है। तो कप्तान साहब ने क्या कहा है? कप्तान साहब ने ये कहा कि ठीक है, हम देखते हैं, आप जाइए। आगे आप क्या करना चाहेंगे? आगे सर मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं एक पुलिस संरक्षण में रहना चाहती हूँ, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखती हूँ, कि मुझे प्रशासन पर पूरी उम्मीद है कि वो मेरा सहयोग करेंगे। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।